गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, टुडे इज़ द डे 24 ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड द डेट इज 13 मई 2020। हेयर आई एम टू टीच यू सोशल स्टडीज रेस्ट ऑफ द टॉपिक एंड द टॉपिक इज ओशंस चैप्टर 5, जिसमें हम लोग को ओशंस पढ़ना है। वो ओशंस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर 5 में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में पढ़ा। 7 तरह के कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोगों ने ओशन के बारे में पढ़ना है। ओशंस जो हैं, 3 ओशन बच गया था, 2 ओशन पैसिफिक और अटलांटिक ओशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूँ मैं बाकी तीनों ओशंस के बारे में बताऊँ, एक शॉर्ट सा रिकैप हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं। ओशंस जो है वो लार्ज कंटिन्यूस बॉडी ऑफ वाटर है। मैंने आप लोग को बता दिया था कि जितने सारे कंटिनेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं, इस ओशन से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। 5 ओशंस हैं पूरी वर्ल्ड में, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट, सबसे लार्जेस्ट और सबसे गहरा ओशन कौन सा है, तो वो है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। और ये क्या करता है, हमारा जो पृथ्वी है उसका 1/3, 1/3 हिस्सा को कवर करता है, ठीक है। इसका शेप कैसा है, तो ये सर्कुलर है, गोल है शेप। अब हम लोगों ने मारियाना ट्रेंच का नाम सुन रखा है, जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ के क्रस्ट का, वो क्या होता है, इसी पैसिफिक ओशन के फ्लोर पे लाई करता है। तो अब क्वेश्चन अगर कभी अराइज होगा कि मारियाना ट्रेंच किस ओशन फ्लोर में लाई करता है, तो आप लोग को आंसर पता है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। अब था अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ना। अटलांटिक ओशन जो है हम लोगों को पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन के बाद, इसी का नंबर है लार्जेस्ट होने में। इसका शेप एस है, इस शेप में ये मौजूद है। मारियाना ट्रेंच जो था वो पैसिफिक ओशन के फ्लोर पे लोकेटेड था, और अटलांटिक ओशन के फ्लोर पे लोकेटेड कौन सा है रिज, तो मिड अटलांटिक रिज लोकेटेड है। अब बच गया 3 ओशंस, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है। चलिए, द इंडियन ओशन इज द 3rd लार्जेस्ट ओशन। फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन कौन सा हो गया, पैसिफिक ओशन। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा हो गया, अटलांटिक ओशन। 3rd लार्जेस्ट ओशन कौन सा होगा अब, तो इंडियन ओशन। इससे पहले हम लोग इंडियन ओशन के बारे में पढ़ें, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है जिस बॉक्स में लिखा हुआ है यू नो दैट। यू नो दैट में बता रहा है कि इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया। इंडियन ओशन जो है ये पहला ऐसा ओशन है जो हमारे इंडिया के, हमारे देश जो है भारत, इंडिया है, उसके नाम पे रखा गया है। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 4000 मीटर। इंडियन ओशन जो है वो 3रा लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। ये रफली ट्रायंगुलर मतलब एग्जैक्टली ट्रायंगुलर नहीं है, बिल्कुल ट्रायंगुलर नहीं है, बिल्कुल ट्रायंगल की तरह नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रायंगुलर है शेप में। पैसिफिक ओशन सर्कुलर था, अटलांटिक ओशन इस शेप का, और इंडियन ओशन रफली ट्रायंगुलर है शेप में। इसका जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, लगभग क्या है, 4000 मीटर है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ओशन। अरेबियन सी का हम लोगों ने नाम सुन रखा है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल क्या है, इंडियन ओशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे बाकी जो 2 ओशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच, अटलांटिक ओशन में मिड अटलांटिक रिज, और इंडियन ओशन में
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साउदर्न ओशन की तरफ। साउदर्न ओशन जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन थर्ड है और ये साउदर्न ओशन क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। इट इज़ नोन एज द अंटार्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ नोट इट डाउन, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा ओशन है जिसको अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा साउदर्न ओशन। इट इज़ फाउंड बाय मर्जिंग ऑफ साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ इंडिया अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। अब बता रहा है, अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो साउदर्न ओशन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो तीन जो है ओशंस जो हैं, अभी जो तीन ओशन जो हैं उनके मर्ज से, मर्ज बोलते हैं उनके मिलने से, उनके जुड़ाव से। तो बता रहा है कि वो कौन कौन से हैं, तो इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन। अभी जो तीन ओशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो तीनों फर्स्ट लार्जेस्ट पैसिफिक, सेकेंड अटलांटिक और थर्ड इंडियन ओशन, इन तीनों के मर्जिंग से, अमलगमेशन से क्या बना है, साउदर्न ओशन, जिसको हम लोग अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। इट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब चूंकि इसका नाम ही है साउदर्न ओशन, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कहाँ लाई करता होगा, ठीक है। तो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लाई करता है। अब लास्ट टॉपिक बच गया हमारे पास, आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन एंड लाइज मोस्टली इन द आर्कटिक सर्किल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन अराइज हो, चूँकि ये ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं क्वेश्चन करूँ तो आप लोग आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ, देखूँ कि आप लोगों को जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया है वो याद है कि नहीं। यहाँ पे बता रहा है कि स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो क्या है, तो आर्कटिक ओशन है। तो आप लोग बताइए कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, आंसर कीजिए। आंसर है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो आर्कटिक ओशन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट ओशन है, सबसे छोटा ओशन है, एंड लाइज मोस्टली इन द आर्कटिक सर्किल। और ये अपने नाम के अनुसार आर्कटिक सर्किल में क्या होता है, लाई करता है। साउदर्न ओशन साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्किल में लाई करता है। इट इज़ द शैलोएस्ट ऑफ ऑल ओशन। बाकी ओशन जो है वो डीपेस्ट है, गहरे हैं, ये शैलोएस्ट है। डीपेस्ट का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, शैलोएस्ट छिछला को बोलते हैं। इट रिमेंस फ्रोजन इन मोस्ट पार्ट्स एंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। अब हम लोग को पता है कि जो आर्कटिक है या फिर अंटार्कटिक, ये जो दोनों नाम हैं ये फ्रोजन पार्ट है, मतलब जमे हुए हैं, ठंडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड हेयर। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन कभी अराइज हो, ऑब्जेक्टिव में आए कि नॉर्थ पोल जो है अर्थ का वो किस सर्कल में, किस ओशन में लोकेटेड है, तो आप लोग आंसर करेंगे कि द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड हेयर, यानी कि जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है वो कहाँ लोकेटेड है, तो यहीं पे लोकेटेड है। हाँ, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुडे इज़ द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 5, टॉपिक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू टॉपिक एज वेल, एंड द टॉपिक विल बी क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।